तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम लोग यहाँ? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय मम्मी चांदी। हाय अंकल। हाय। बेटा क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं बाबू जी। तो पापा ऐसे गाल पे हाथ क्यों रखा है? ऐसे 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 ही हाथ ले ले। ऐसे औरतें हाथ रखती है। एकदम करेक्ट कहा आपने चाचा जी। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी चाय की जरूरत नहीं है, मुझे जेठा जी से मोबाइल का काम था। हाँ आप लोग बैठिए ना, मैं बुला कर लाती हूँ। ओके। अरे क्या चला गया, कितनी मुश्किल से गया मालूम है? कपड़े धोने का साबुन 5-6 बार घिसा तब जाके गया। सॉरी। ये तो बबीता जी घर के है, उन्होंने देख लिया, चलते है। बापू जी ने देख लिया होता तो। अरे हाँ बबीता जी को आपसे कुछ काम है। और टप्पू स्कूल कैसा चल रहा है? एकदम मस्त बबीता जी। और वैसे भी ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना, तो एक के बाद एक छुट्टियां मिल रही है तो और मजा आ रहा है। हाँ लगता है तुम्हें स्कूल से ज्यादा छुट्टियाँ पसंद है। हा? हाँ दादाजी कहते हैं कि जो चीज हमारे पास कम हो उसकी वैल्यू करनी चाहिए। अरे टप्पूड़ा मैं तुझे क्या सिखाता हूँ और तू क्या मतलब निकालता है? हाँ मम्मी दादी बोलिए बोलिए क्या काम था? बैठी पापा। वाह पापू जी के संस्कार सब। बोले बोले बबीता जी क्या काम था? जेठा जी मेरा ये मोबाइल गिर गया था। बैटरी सिम कार्ड सब कुछ निकल गई थी। ओहो। सब कुछ जोड़ तो लिया, मोबाइल ऑन भी हो गई पर सिग्नल नहीं आ रहा है। एक बार ऑन ऑफ करके देखा? जेठा लाल एक बार नहीं 4 बार ऑन करके ऑफ किया लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं आ रहा है। हाँ। तो अगर अर्जेंट नहीं है तो मैं इसको दुकान लेकर जाता हूँ, उधर बागा है वो रिपेयर कर देगा। अच्छा दुकान ले जाना है? हाँ क्या है ना मेरे सारे नंबर इस मोबाइल में हैं और बाय चांस किसी के नंबर की जरूरत पड़ गई तो। हाँ ये मोबाइल आ गया तब से नंबर याद रखने की आदत ही छूट गई है ना। नहीं लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं एक बार नंबर सुन लेती हूँ ना फिर हमेशा के लिए याद रह जाता है। नहीं नहीं तेरी बात ही नहीं हो रही है, इधर तू क्या एकदम स्पेशल इंसान है, ये हम सब आम लोगों की बात हो रही है। तो क्या करें? जैसा आप कहे बबीता जी। मैं काम करती हूँ, मुझे अभी मेरे कजिन के घर पे जाना है, आपका शॉप ऑन द वे है तो मैं आपके दुकान में आ जाऊँ? ये तो और भी अच्छी बात है। ग्रेट, मैं भी अभी दुकान जा ही रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। जरा लाल तुम चलो, तुमको लेट हो जाएगा, बबीता को थोड़ा काम है घर पे, वो बाद में आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है जैसी आपकी मर्जी। Okay. चलो बबीता। ओके थैंक यू सो मच। ओके नमस्ते चाचा जी। बाय 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 बाय। मैं पूरा दिन दुकान पे ही हूँ। ओके जब भी आपको लगे आप आ जाइएगा। ओके चले बाबूजी मैं भी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पापा ये फ्राइडे सैटरडे संडे स्कूल में छुट्टी है तो चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ टप्पू के पापा कितने दिन हो गए टप्पू को कहीं घूमने नहीं ले गए। टप्पू के बना तुझे भी घूमने जाना है? नहीं भाई अभी तेरे किंडे पिंग के चक्कर में 3-4 दिन दुकान बंद थी। ऐसा हाँ। नहीं जा सकते घूमने, अभी जरा धंधे पे ध्यान देना पड़ेगा। बेटिया तेरी बात सही है देख। हाँ। लेकिन शुक्र शनि रवि को तो अभी वक्त है, तब तक तेरा दुकान का सारा कामकाज निपटा ले। ठीक है बापूजी। और हाँ वो सोड़ी को गाड़ी का बोल देना। कौन सी गाड़ी? अरे बाहर गाँव जाएंगे तो गाड़ी तो चाहिए ना। लेकिन अभी पहले तय तो किस तरफ जाना है। अरे तय तो बाद में भी हो जाएगा, पहले गाड़ी का तो बोल दे। ठीक है बोल दोगा बोल दो। चलिए मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक मिनट रुकिए टप्पू के पापा, अब कितने दिनों के बाद दुकान जा रहे हैं, दही शक्कर खाकर जाइए। लेके आ लेके आ। हाँ। दादाजी रक्षा करना। थैंक यू।
चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र पापा। चले बाबूजी जा रहा हूँ दुकान। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलता हूँ। दादाजी हम कहाँ जाएंगे? अरे जहाँ तू बोले। हाँ। सेठ जी आ गए। अरे आओ। कैसे है बेटा? एक मिनट सेठ जी, अभी आप दुकान के अंदर प्रवेश मत कीजिए, थोड़ी देर बाहर खड़े रहिए प्लीज। क्यों क्या हुआ? आई एक्सप्लेन यू। देखिए सेठ जी, आप पिछले दिनों टेंशन में रहे, आपकी किस्मत बिना सेल के रिमोट की तरह हो गई थी, और आज आप बहुत दिनों बाद दुकान में आए हैं। मट्टू काका बहुत दिन तक ऐसे बोल रहे हो मानो मैं 3-4 साल के बाद दुकान में आ रहा हूँ। एक मिनट सेठ जी, अभी आप दुकान के अंदर प्रवेश मत कीजिए, थोड़ी देर बाहर खड़े रहिए, थोड़ी विधि करनी पड़ेगी, विधि होने के बाद ही आप दुकान में आ सकेंगे। देखिए सेठ जी, सेठानी जी जब किडनैप हो गई थी ना, तो मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी सेठानी जी सही सलामत घर आ जाए और मेरे सेठ जी की टेंशन दूर हो जाए, तो मैं चलकर भूतनाथ महादेव के मंदिर तक जाऊंगा। सेठ जी जब दुकान में आएंगे तो दुकान में कदम रखने से पहले उनको वहां का प्रसाद खिलाऊंगा। वाह, लाइए प्रसाद लाइए। बागा प्रसाद जी। वाह, शंकर भगवान के चूरमे का लड्डू, मजा आ गया। वाह, अभी अंदर आऊं? एक मिनट सेठ जी, अभी विधि बाकी है। बागा, ये 4 रास्ते पर फोड़ के आना। जी नटू काका। अभी अभी मैं जैसा बोलूं वैसा आपको बोलना है। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। अरे क्या सेठ जी, क्या बोलना है वो जानने से पहले अपने ना बोल दिया। क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे क्या बुलवाएंगे। क्या आप कहेंगे? बोलिए सेठ जी, आज से मैं नटू काका का पगार बढ़ाता हूँ। सेठ जी, मेरा कद भले छोटा है पर मेरी सोच बहुत ऊंची है। ऐसे मौके पे मैं पगार बढ़ाने की बात करूंगा? छे, सॉरी सॉरी। अरे उसके लिए तो सारा दिन पड़ा है। तो बोलिए सेठ जी, हे भोलेनाथ, मेरे सारे संकट दूर करके मेरे जीवन में खुशियां भर दीजिए। लेकिन अभी मेरे जीवन में संकट कहाँ नटू काका? दया को तो हम छुड़ा कर वापस ले आए। अरे सेठ जी, ये तो घर का संकट टला है, दुकान का संकट अभी कहाँ टला है? दुकान का कौन सा संकट? लक्ष्मी माता का संकट। देखिए सेठ जी, लक्ष्मी जी रोज हमारी दुकान में आती है, बराबर बराबर 4 दिन हमारी दुकान बंद रही, तो लक्ष्मी माँ 4 दिन तक आकर वापस चली गई होंगी। कहीं उन्हें ये न लगा हो कि ये दुकान हमेशा के लिए बंद हो गई। अरे शुभ शुभ बोलिए नटू काका, बोलिए बोलिए क्या बोलना है? तो बोलिए, हे भोलेनाथ, मेरे सारे संकट दूर करके। एक मिनट नटू काका। यस। ये लक्ष्मी माता के लिए भी भोलेनाथ बाबा को ही प्रार्थना करनी है? ओह गुड क्वेश्चन, सॉरी सॉरी। हाँ बोलिए। हे लक्ष्मी माँ, सिर्फ 4 दिन हमारी दुकान बंद थी, अभी रोज दुकान चालू है, प्लीज कम डेली। बराबर। हे लक्ष्मी माता, सिर्फ 4 दिन दुकान बंद थी, अभी रोज दुकान चालू है, प्लीज कम डेली। डेली हो गया, अभी आऊं अंदर? ऑफ कोर्स, मोस्ट वेलकम सेठ जी, कम। थैंक यू। हाँ। ये लीजिए सेठ जी। अरे अब ये कौन सा प्रसाद है? महालक्ष्मी मंदिर का। ओहो थैंक यू बागा, तो मेरे लिए महालक्ष्मी मंदिर जाके आया? नहीं सेठ जी, मैं आपके लिए नहीं गया था, मैं अपने काम के लिए गया था। वो क्या है सेठ जी? मुझे लाखों रुपए मिलने वाले हैं।
लाखों रुपए? अरे वाह, इसलिए मैंने हिम्मत नगर में अपने लिए एक प्लॉट बुक किया है। ओहो, और उसके लिए मुझे 2 दिन में 50,000 रुपए टोकन के भरने हैं। अच्छा, लाइए 50,000। मैं क्यों तू 50,000? जहाँ से लाखों रुपए मिलने वाले वहाँ से ले। सेठ जी, बागा वहीं से तो ले रहा है। एक मिनट, मतलब तुझे लाखों रुपए मुझसे मिलने वाले? हाँ सेठ जी। तो मुझे भी बता भाई, किस खुशी में मैं तुझे लाखों रुपए दे रहा हूँ? देखिए सेठ जी, चीटिंग नहीं। क्या क्या चीटिंग क्या की मैंने? सेठ जी भूल गए, आपने मुझसे क्या कहा था? अगर मैं 200 लाख की डील फाइनल कर लूंगा तो आप मुझे एक्स्ट्रा 2% कमीशन देंगे, याद कीजिए। तो सेठ जी, मैं ये डील कर लूं? हाँ कर ले। बका, मैं कहता हूँ अगर तेरे से होता है तो ये डील कर ले। अगर तूने ये डील कर दी तो मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा 2%। याद आया सेठ जी? हाँ याद तो है, लेकिन चीटिंग मैं नहीं, चीटिंग तू कर रहा है। मैं कहाँ चीटिंग कर रहा हूँ? भूल गया मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि पूरा पेमेंट आ जाने के बाद मैं तुझे कमीशन दूंगा, याद कर। तो सेठ जी, मेरे एक्स्ट्रा 2% पक्के ना? पक्का पक्का, लेकिन माल की डिलीवरी हो जाने के बाद और पूरा पेमेंट मिल जाने के बाद। ठीक है ठीक है, याद आ गया। तो फिर सेठ जी इज राइट। बागा, एक बार डिलीवरी होकर पेमेंट आ जाने दे, बाद में मैं खुद सेठ जी से कहकर तेरा चेक बनवा दूंगा। लेकिन सेठ जी, 15 लाख का एडवांस पेमेंट तो पार्टी से आ चुका है, नहीं नटू काका? हाँ। तो उसमें से मुझे मेरे कमीशन के 4 लाख रुपए दे दीजिए ना सेठ जी। पागल हो गया तू? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन अगर 2 दिन में मैंने 50,000 रुपए नहीं भरे तो जरूर पागल हो जाऊंगा। अरे भाई, अगर मैंने तुझे मान ले अभी 4 लाख रुपए दे दिया, कल को कुछ हुआ, डील कैंसिल हो गई तो सेठ जी, मैं जमीन बेचकर आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे ऐसा धंधा नहीं होता है भाई, बेवकूफ जैसी बात मत कर। पेमेंट आते ही उसी पल मैं तुझे तेरा पूरा कमीशन दे दूंगा। सेठ जी, मेरी बरसों की जमाई हुई इज्जत पे पानी फिर जाएगा, समाज में मेरी नाक कट जाएगी। नटू काका, ये 200 लाख के माल की डिलीवरी कब करनी है? 2-4 दिन में बस उनका फोन आना चाहिए। बस तो भाई 2-4 दिन की बात है ना, 2-4 दिन रुक जा, उसके बाद मैं तुझे तेरा कमीशन दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, अगर 2 दिन में मैंने टोकन के 50,000 रुपए नहीं भरे तो अच्छा खासा प्लॉट मेरे हाथ से निकल जाएगा। बस सिर्फ 50,000 चाहिए तुम्हें? अरे पगला, तो सेठ जी 50,000 जैसी छोटी रकम के लिए ना थोड़े ही कहेंगे क्या सेठ जी? सेठ जी चेक बना दूं? नटू काका, थैंक यू सेठ जी। और हाँ सेठ जी, एक और 300 लाख का ऑर्डर है, फाइनल होते ही मैं पार्टी को आपसे मिलवाने के लिए लेके आऊंगा। 300 लाख मतलब 3 करोड़? अच्छा। नटू काका चेक बना देना। जी सेठ जी। बागा, अभी तो खुश? अच्छा बागा, चाय पीऊंगा ना? अरे भाई मुझे पीनी है, जरा बोल क्या। सेठ जी, आप आए तभी मैंने उसे SMS कर दिया था, छोटू अभी चाय लेके आता ही होगा। देखो वो आ गया। आ गया। इलो चाय। नटू काका, चाय। गुड मॉर्निंग जेठा सेठ। अरे छोटू कैसा है भाई? एकदम मस्त। थैंक यू। थैंक यू, वो आपके वजह से मुझे 200 रुपए का फायदा हुआ ना, इसीलिए। मेरी वजह से? हाँ हाँ। कैसे? सेठा ने जी किडनैप हुई थी ना, तो मैं और मेरा दोस्त टीवी पे न्यूज देख रहे थे। मेरे दोस्त ने मुझसे 200 रुपए की शर्त लगाई, तेरा जेठा सेठ सेठानी को उन गुंडों से नहीं छुड़वा सकता। ओ, मैंने कहा वो हमारे जेठा सेठ है, कुछ भी करके सेठानी को छुड़वाएंगे। और आप एकदम सनी देवल की तरह सेठानी को छुड़वा कर लेकर आए, और मैं शर्त जीत गया, हो गया ना 200 का फायदा। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस भाई।
ताली क्या बजा रहा है? सेठ जी की वजह से तुझे 200 रुपए का फायदा हुआ है, सेठ जी को कमीशन दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। बोलो सेठ जी, कितना दूं? 2% के हिसाब से 4 रुपए दे दे। हाँ, क्यों नहीं। क्या बोल रहा है बगा? नहीं 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 चाहिए भाई, नहीं चाहिए। बबीता जी। हाय जेठा जी। आइए 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 बबीता जी, आइए आइए आइए। हाय जेठा जी। नमस्ते नेटू काका। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे बाका, चेर चेर रखो, उधर चेर रखो। अरे इट्स ओके, इतनी तकलीफ मत लीजिए। नहीं नहीं बबीता जी, लेने दीजिए तकलीफ। क्या मैंने कहीं सुना है कि भगवान उसी का भला करता है जो दूसरों के लिए तकलीफ लेते हैं? आइए आइए बैठिए, आइए आइए आइए। थैंक यू सो मच। अय्यर भाई, हीरा लाल कैसे हो? नमस्ते नटू काका। नमस्ते। कैसा है बागा? मजे में। अय्यर भाई, आप कहाँ से है? मैं घर से। मैं और बबीता दोनों साथ में आए थे, वो बाहर रिक्शा वाले को पैसे दे रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। बबीता जी, मैंने कहा था ना अय्यर भाई आजकल आपको अकेला नहीं छोड़ते। नहीं जेठा लाल, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं आने वाला नहीं था, लेकिन मेरा एक मीटिंग कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा कि बबीता को कंपनी दे दूं। सेठ जी, स्पेशल चाय का ऑर्डर दे दूं? अरे नहीं नहीं, चाय नहीं। बबीता जी और अय्यर भाई हमारे खास मेहमान है भाई, इनके लिए जूस बोल, जूस जी। अरे नहीं, जूस का जरूरत नहीं है। जड़ा लाल, तुम ये मोबाइल देख लो, हमको थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ, क्या है ना, एक्चुअली सुबह से बंद है ना, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बबीता जी, अभी आप कुछ फील मत कीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, आराम से बैठिए। ये बाका है ना, फटाफट रिपेयर कर देगा। बाका देख जरा जी, इसका वो कुछ सिग्नल नहीं आ रहा है। हाँ। अय्यर भाई के हाथ से गिर गया ना तब से। जेठा लाल, मेरे हाथ से नहीं गिरा, बबीता के हाथ से गिरा। ओ, इसमें तो नेटवर्क कभी नहीं मिल सकता। क्यों? इसमें सिम कार्ड ही उल्टा डाला है। देखो, देखिए, ये देखिए, ऐसा उल्टा सिम कार्ड किसने डाला? सॉरी बबीता। क्या अय्यर भाई, एक साया ने चौका पैसे गलती करते हैं। आपकी यह गलती की वजह से बेचारा बबीता जी सुबह से कितने परेशान हो गए। नहीं बबीता जी तो लीजिए, आ गया इसमें नेटवर्क। अरे हाँ, वाह बागा वाह। लीजिए बबीता जी, ला मुझे दे, मैं दे देता। अरे मैं दे देता हूँ। अरे अरे सॉरी सॉरी बबीता जी सॉरी। कहाँ ध्यान है तेरा बागा? जेठा लाल, इसमें बागा का गलती नहीं है। नहीं नहीं अय्यर भाई, मेरी गलती है। तो इट्स ओके, होता है। ओ सेठ जी, इसका तो डिस्प्ले ही उड़ गया है, अब रिपेयर करने में टाइम निकल जाएगा। तो कोई बात नहीं बबीता जी, मैं आपको दूसरा मोबाइल देता हूँ। एक दूसरा मोबाइल ले, उसमें मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड सब डाल दे उसमें, और दे दे। आप अभी वो दूसरा मोबाइल यूज करो, आपका मोबाइल रिपेयर होता है मैं घर पर दे जाऊंगा। वो बागा मोबाइल दे रहा था, जेठा लाल बीच में आया और उसमें मोबाइल नीचे गिर पड़ा। इट्स ओके अय्यर, ऐसे कंफ्यूजन होती रहती है। तो लीजिए सेठ जी, कि मैं दे दूं। लीजिए बबीता जी। थैंक यू सो मच। सॉरी हां बबीता जी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बबीता चले हम लोग? ओके ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय बाय। सॉरी हां, वो तड़ा हो गया। नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके, बाय। ओके
अरे पप्पी, कल इस गड्डी का सबसे पहले इंजन ऑयल चेंज करना है और अलाइनमेंट चेक करनी है। मोदी साहब को कल दोपहर तक ये गड्डी डिलीवर हो जानी चाहिए। जी उस्ताद। अरे बेवकूफ, सब्जी कैसे जली? मैं वहां आके तुम्हें निकाल दूंगा। ओए जोधपुरी प्राजी, वैसे तो पति पत्नी के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, पर यहाँ बात गलत है। और ये रोशन सिंह सोडी और कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। वो आपकी पत्नी ने सब्जी जला दी, इसलिए आप उसको घर से बाहर निकाल दोगे? ओ सरदार जी, वो मेरी पत्नी ने सब्जी नहीं जलाई, समझे? तो किसने जलाई भाई? मेरे होटल के कुक ने। सॉरी सॉरी, वो आपका खुद का होटल है, फिर तो रोज खाने के गुम मजे करते होंगे। अरे मैं होटल का खाना खाता ही नहीं। क्यों, खाना खाने जैसा नहीं होता? अरे कैसी बात करता, अरे हमारे होटल का खाना तो बहुत टेस्टी है। अब क्या है कि हमारी उम्र हो गई है। अरे घर का खाना खाते खाते उम्र बीत गया हमारा। जब भी हम बाहर होटल का खाना खाते है ना, बीमार पड़ जाता है। ये जो हमारा ये जो पोता है ना, ये आपका पोता है? हाँ, ये जो पोता, ये नहीं, ये जो पोता है ना, इसको भी यही बीमारी है। जब भी बाहर का खाना खाता है ना, बीमार पड़ जाता है। अब इसको बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ने की बीमारी है। कल रात को जब मैं मुंबई आया ना, तो घर से खाने का टिफिन साथ में लेके आया। अब मैं घर जाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा। अच्छा जी, प्रॉब्लम क्या? अरे घर के खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओए जोधपुरी प्राजी, और मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी गड्डी में प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मैंने तो सेठ जी से कहा था ये गाड़ी लेकर नहीं चलना। अरे पिछले 1 किलोमीटर से तू यही बकवास कर रहा है। अरे कितनी बार बोलेगा तू? देखो सरदार जी, मैं बताता है, एक गाड़ी थोड़ा चलता है फिर बंद हो जाता है, फिर चलता है फिर बंद हो जाता है। अरे चलता कम है, बंद ज्यादा होता है। क्या बोलेगा तुमको मैं? तुसी फिकर ना करो जी, वो कचरा फंस गया होगा, अभी 10 मिनट में गड्डी ठीक हो जाएगी। ओ पप्पे, शेजी संभालना। पप्पे, अरे मेरे यहाँ इस नाम का आदमी काम करता है। माल करते हो यार। ओ पप्पे छेती आ यार। आया भाई पप्पे, आया। जी उस्ताद। ओ पप्पे, ये जोधपुरी प्राजी की गड्डी ना बार बार बंद हो रही है, देख ले जरा कचरा वचरा होगा। जी उस्ताद, 10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता 10 मिनट में होगा। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है ना, तो बात तो अच्छी किया करो। अरे पनौती क्यों लगाता है? ओ आओ जी, आओ जोधपुरी सेठ जी, आओ। चलो बैठो जोधपुरी सेठ। थैंक यू। ओए तू भी आ जा, आ जा पोते। हाँ जी, हम दसो चाय नाश्ता में क्या लोगे? अरे मैंने आपको कहा ना, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता है। अंकल ये क्या है? तो पुत्र, ये तो इस गड्डी का टेप है यार। मैं इसे खोलूं? ओ तेरी, ओ पुत्र इसको खोलते नहीं है, ये अगर खोलेगा तो फिर टेप बजेगा नहीं। हाँ दीपू इधर आओ, जब भी कोई नई चीज देखता खोलना शुरू कर देता है। बैठो इधर, इतनी शरारत करता है ये। डांटो ना जी, और ये तो मेरे जैसा वर्ल्ड क्लास मैकेनिक बनेगा जी, और मुझे तो लगता है मुझसे भी बड़ा ना गैराज खोलेगा। दादाजी मैं बोर हो रहा। सॉरी पुत्र, मैंने कहा था ना कि मेरे साथ मत चलो, अब भुगतो। 1 बजे रात को पहुंचेंगे हम लोग घर पे। नहीं मुझे नहीं लगता 1 बजे तक पहुंचेंगे। तुम, अरे सरदार जी देखिए ना, काम हुआ कि नहीं? जी आपको कहा है 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट जरा शांति से बैठो, 10 मिनट में गड्डी एकदम फास्ट क्लास ठीक हो जाएगी जी। सरदार जी, आपने अपने गैरेज में कैसे कैसे लोग रखे हैं? कभी कोई कुछ भी बजा दे। दीपू, अरे इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। सॉरी यार। कोई गल नहीं जी। ओ राम ना, राम। अरे बैठो इधर,
और इधर से हिलना नहीं, समझा? और रहने दो जी, ओ बच्चा, ओ बच्चे तो इस उम्र में शरारत करते हैं, ओ मेरा गोगी पुत्र है ना, ऐसे ही एकदम शरारते करता है। ओ पुत्र, ओ कौन सी क्लास में पढ़ता है तू? पाया किया पनिशमेंट? ऐसा अंपायर कब करते हैं? ओए जब अपना सचिन तेंदुलकर जम के छक्का। तू सिक्स क्लास में पढ़ता है? थैंक यू अंकल। अब वेलकम पुत्र, भाई खूब पढ़ना, खूब तरक्की करना, हमारे भारत देश का नाम खूब रोशन करना। मुझे नहीं लगता ये दसवीं तक भी पढ़ेगा। कौशिक जी, तुझसे किसी ने पूछा? सरदार जी, कितना टाइम लगेगा देखिए ना। हाँ जोधपुरी प्राची, मैं देखता हूँ, एक मिनट। कितना बोलता है तू? अभी तक गिना नहीं कभी। हाँ? अच्छा है गाला। सेठ जी, हो गई गाड़ी। ओ मतलब जी, ये गड्डी ठीक होने में पूरे 6 घंटे लगेंगे। देखा, मैंने कहा था ना 10 मिनट में नहीं होगा। तू चुप बैठेगा? देखिए, आपने कहा था 10 मिनट, अब 6 घंटे। वो जी क्या है ना, गड्डी की पाइप में कचरा नहीं है, गड्डी की जो पेट्रोल की टैंकी है ना, उसमें कचरा है, तो उसको खोलना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, तो उसमें तो वक्त लगेगा जी। अरे ऐसे कैसे प्रॉब्लम हो गया? जब आपको प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं तो आपने खोला क्यों? जी खोला तभी तो पता चला प्रॉब्लम क्या है। अरे मैं सब समझता हूँ, ये गैरेज वालों की चाल होती है, मौके का फायदा उठाकर ग्राहकों को लूटते हो। ओए क्या बकवास कर रहे हो, और ये रोशन सिंह सोडी खुद लूट जाएगा, पर किसी का भी 1 रुपया हराम का नहीं लेगा। ओए ईमान ही सरदार की जान होती है। ओए पप्पी जी उस्ताद, अब फिट कर दे इसकी गड्डी। और रास्ते में जब गड्डी खराब होगी ना, फिर रास्ते में याद करोगे इस रोशन सिंह सोडी को, और फटाफट गड्डी फिट कर। जी जी, क्या कर रहे हैं आप? हाईवे पर अंधेरे में रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई तो आपको धक्का लगाना पड़ेगा, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा ना। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। अब आपने गाड़ी खोल दी है तो इसे बना भी दीजिए। ठीक है। ओए पप्पी। जी उस्ताद। काम शुरू कर। ओए रुक। ओए मैं आपको बता देता हूँ जी साफ साफ शब्दों में, ओ गड्डी ठीक होने में पूरे लगेंगे 2500 रुपए। ठीक है। अरे 500,000 ज्यादा ले लेना सरदार जी, मगर काम जल्दी से कर दो। अच्छा एक बात भाई, कितना टाइम और लगेगा? जी 12 से 1 बज जाएंगे, और मैं आपको बता दूं गड्डी ठीक होने में उतना ही वक्त लगेगा जितना वक्त लगता है, चाहे आप मुझे 10,000 रुपया क्यों ना दे दो। और मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, गड्डी ठीक होने में उतना ही पैसा मैं लूंगा जितना पैसा लगता है, यानी कि 2500 रुपए। पप्पे और काम शुरू कर यार। दादाजी हम 1 बजे तक क्या करेंगे? और पास में फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके फर्स्ट क्लास खाना शाना खाओ, उसके आगे ही मॉल है, वहाँ पे पिक्चर हॉल है, और वहाँ पे फर्स्ट क्लास देखो फिल्म। सरदार जी आपको कितनी बार बोला, हम बाहर का खाना नहीं खाते, घर का बना हुआ खाना खाते है। दादाजी चलो ना, बहुत भूख लगी है। नहीं मुझे खा जा। अरे पिछली बार बाहर खाना खाया था, बीमार पड़ गया था ना। ओ बादशाह, बाहर का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और खाना नहीं खाओगे तो भी बीमार हो जाओगे। अब बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो, देखो बेचारा भूख से कैसे उसकी शक्ल हो गई है। ओए जोधपुरी प्राची, वो आप घर का खाना खाते हो ना, तो आप एक काम करो, वो मेरे घर चलो, आपको फर्स्ट क्लास बढ़िया खाना खिलाता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, आप खाम का क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मुझे क्या, नहीं नहीं, ये बच्चा कब तक भूखा रहेगा? और मेरे घर चलो, वहाँ चल के ये मेरे बेटे के साथ खेलेगा भी, और आप लोग फर्स्ट क्लास खाना भी खा लेना घर का। दादाजी चलो ना प्लीज। और तुझे टेंशन ना लो, और मेरी प्यारी ब्यूटीफुल वाइफ है ना, वो बहुत लजीज खाना बनाती है, एकदम घर जैसा।
ठीक है। ओ ये हुई ना बात, मैं दो मिनट में आया। ओ पप्पी, ओ मैं इनको घर ले जा रहा हूँ खाना खिलाने के लिए, और जैसे गड्डी टीच हो जाए मेरे को फोन कर दियो। हाँ गोगी चिट्टू में, हेलो। अरे माय स्वीट हार्ट डार्लिंग रोशन, और की कर रही है? तेरे लाडले डिकरे को पराठे पराठे, मेरे सर में दर्द हो गया। ओए मैं तुझे एक ऐसा काम सजेस्ट कर रहा हूँ जिसको करने में तुझे मजा आ जाएगा। क्या शॉपिंग करने जाना है? ओ शॉपिंग नेक्स्ट टाइम, इस बार तो किचन में कुकिंग करना है। किचन में कुकिंग करने जाना है? और कुछ खास मेहमान आए हैं तो वो खाना खाने आ रहे हैं। मेहमान? कौन मेहमान? अरे सुनिए माय डार्लिंग, अपने खास मेहमान है। मेहमान का कोई नाम तो होगा ना? एक मिनट सुनिए, और जोधपुरी सेठ प्राची, और आपका नाम क्या है? गोवर्धन। गोवर्धन प्राची। गोवर्धन पंजाब से है? नहीं तो? तो पूछ लेता हूँ। और गोवर्धन प्राची, और आप कहाँ से आए हो? सापुतारा गुजरात से। अच्छा एक बात बताइए सरदार जी, आपके घर में जो खाना खाने आता है उसको पहले फॉर्म भरना पड़ता है? ओ ना जी ना, ओ मेरी प्यारी सुंदर बोटी है ना, वो पूछ रही है। और जी गुजरात सापुतारा से। रोशन तुझे मेहमानों का नाम तक नहीं पता, तुझे ये भी नहीं पता उन लोग किधर से आए हैं, और तू उन लोग को खाने पे घेर पे बुला रहा है? और रोशन तू सारी गाल छाड़, और मेरी बात ध्यान से सुन। तो बता घर का खाना उनको खिलाना चाहिए कि नहीं? रोशन तू तो टड्डन दिलदार चा दिलदार, मैं भी जल्दी जाके फर्स्ट क्लास खाना बनाती हूँ, तुम लोग आ जाओ। हाँ ओके बाय। थैंक यू माय डार्लिंग रोशन, आई लव यू। और चलो जी घर का लजीज खाना है। चलो चल। गेस्ट आ रहे। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बनाऊं? हाँ आलू पराठा, पनीर भुर्जी, दाल फ्राई, पलाव और मावानी बर्फी। आए तद्दन सारी आइडिया चे। चल आलू तो है नहीं। ए गोगी तू मेरे काम कर दिख रहा, तू माधवी भाभी के घर जा। ए घेलो। हाँ बोलो। क्या बोलो, तू माधवी भाभी के घर में जाके बोलेगा क्या? मैनू के बजा। ओ खुदाए गोगी, देख तू माधवी भाभी के घर जा और बोल मम्मी ने थोड़े से आलू मंगवाए। ओके मम्मी। ओके। अरे वनराज भाई आप चिंता मत कीजिए, आपके काजू आपका चूड़ा रेडी हो रहा है। मुझे मालूम है आपकी कल सुबह की फ्लाइट है, मैं डिलीवरी कर दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ माधवी। हाँ बना रही हूँ जल्दी, ये सिंग फ्राई करने बाकी है बस। पेड़ अंकल माधवी आंटी है अंदर है। ए छोटी छोटी, तुम्हारे गड्डी के दो टायर पहले यहाँ पे पार्क करो। हा? चप्पल उतारो। जैसे बोलो ना। अरे सुनो। हाय। हाय। ये तो मेरा फेवरेट गेम है। पता है गोगी, एक काम कर मेरा टंग खत्म हो जाए बाकी दुखे ना, ठीक है? हाँ। ए गोगी पन टड्डन खेलो छिया, इतनी वाट है गई अभी तक आलू लेकर आया ही नहीं है। अरे अरे ठीक है लेडीज फर्स्ट। बैठे तो बैठे ही रहे। हेलो। हेलो माधवी भाभी। हाँ रोशन भाभी बोलिए। गोगी उधर आया है? हाँ है ना, सोनू के साथ कंप्यूटर पे गेम खेल रहा है। बोलिए क्या हुआ? ओ खुदाए ये गोगी भी टड्डन चक्रम है, घर पे मेहमान आने वाले हैं, मुझे आलू के पराठे बनाने हैं और आलू भी खत्म हो गए, तो मैंने उसको आलू लेने आपके घर भेजा था और वो है कि उधर बैठकर गेम खेल रहा।
आएगा भाई, बच्चे भी ना ऐसा ही करते हैं। अब चिंता मत करो, मैं आलू के साथ गोगी को भेज देती हूँ। हैं? हैं? दोनों को एक साथ भेज देती हूँ ऐसा। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। गोगी? काय रे? काय? मम्मी ने तुझे आलू लेने के लिए भेजा था ना? हाँ। अरे हाँ काय, तू यहाँ गेम खेल रहे? आप आलू लोगे तो मैं लूंगा ना। अरे तू मांगेगा तब मैं दूंगी ना, तूने मांगा है कब? अरे बाप रे बाप, ये तो मैं भूल गया। ठेणे भैया, क्या छोटे सोड़ी, अपनी काम की बातें बराबर याद रहती है ना, जैसे वक्त पे नाश्ता करना, खाना खाना, गेम्स खेलना, वो नहीं भूलता तू? मेरे अंकल ऐसा नहीं है, कल तो मैं होमवर्क करना भी भूल गया था। वाह, तू तो भविष्य खूब उज्जवल है गोगी। थैंक यू। थैंक यू बोलते है। ये ले गोगी, चल 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 सोनू, मैं आता हूँ वापस। हाँ ठीक है, थैंक यू आंटी। एक मिनट, सीधा यहाँ से घर पे ही जाना, दूसरी जगह खेलने मत जाना। खुदाई, गैस सिलेंडर को भी अब भी खत्म होना था। मम्मी, आलू आ गए। आ गया तू? हाँ, तुझे माधवी आंटी के घर आलू लेने भेजा था, और तू उधर बैठकर गेम खेल रहा था। सॉरी। अरे अभी गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया, अब इसको लेने में कहाँ जाऊँ? ये चक्रम, तू गपचुप बैसनी बावा, जल्दी से जाकर आलू किचन में रख गया, अभी तेरे पापा मेहमानों को लेकर घर आते होंगे। हाँ जल्दी से खाना बनाना है, जा डाल। हड़बड़ी में गड़बड़ी क्यों होती है? मेरे को लाओ, मैं लगा दो। अस्ते दिख रहा, बस मम्मी दर्द कम हुआ? हाँ दिख रहा थोड़ा, ठीक है, आई एम ओके। क्या कर रहे हो तू? तो लगा ऊपर से, बैठो बैठो। अरे मम्मी मैं हूं ना, मैं ये सिलेंडर किचन में रख दूंगा। मम्मी मैंने सिलेंडर किचन में रख दिया। मारो डायो दिख रो। मम्मी अब डॉक्टर हाथी अंकल के पास चलते हैं, चलो। बस बस हो गया। देखिए रोशन भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी ज्यादा वजन उठाते वक्त अगर हाथ की पोजीशन रॉन्ग हो जाए ना तो मोचा आ जाती है, दो तीन दिन में ठीक हो जाएगी। मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, अगर दर्द ज्यादा हो तो ले लीजिएगा, वरना शायद इसकी भी जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच आती भाई, मैं चलती हूँ। अरे रुकिए रुकिए ना, मैं कोमल को बुलाता हूँ, मिलके जाइए ना। नहीं रे हाथी भाई, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरे को घर पे बहुत सारा काम है, फिर मैं कभी उनसे मिल लूंगी। हाँ कोई बात नहीं, एज यू विश। थैंक यू। ओके बेटा, मम्मी को टाइम पे दवाइयाँ दे। गोगी टिकरा रहा नहीं पावा, ये आलू बॉईल करने हैं। रहने दो मैं खुटाए। खुटाए जी, एक तो हाथ में मोच आई है, ऊपर से मेहमान भी आने वाले, अभी शो करूं? लो पापा आ गए। आओ जी आओ, आई अपना कारा गोविंदन प्राजी, आ जाओ। आयो ना तो चल काफ का बैठ, बैठो जी बैठो आराम। जी एक मिनट। अरे गैरेज के साथ साथ आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? और नहीं जी, मेरा पुत्र था ना फर्स्ट क्लास, अभी पढ़ाई कर रहा था।
आया आया रोशन और गोगी उतर रहा अभी जा और गोवर्धन प्राची ये मेरी सुंदर ब्यूटीफुल वाइफ जिसके हाथ का लजीज खाना आप अभी खाने वाले हो रोशन नमस्ते जी सेठ जी और रोशन ये गोवर्धन प्रा जिनके बारे में मैं तेरे को फोन करके बताया था ये दीपू आंटी को नमस्ते करो आंटी नमस्ते हेलो बेटा ये मेरा शेर पुत्र गोगी गोगी ये तेरा नया फ्रेंड दीपू सत श्री अकाल हेलो बोलो हेलो हाय तब मेरे को बैसो नहीं बैठिए रोशन है क्या हो गया तेरे हाथ में पापा एक्सक्यूज पापा आपको पता है मम्मी गैस सिलेंडर उठा रही थी ना तो उनको हाथ में मूंछ आ गया तो बहुत दर्द हो रहा है की गल कर रहे हैं यार मैं गल नहीं कर रहा हूँ सच कह रहा हूँ कोई गल है रोशन कमाल है रोशन तेरे हाथ पे लग गया और तूने मुझे फोन करके बताया भी नहीं डॉक्टर हाथी को दिखाया हाँ रोशन ये पट्टी डॉक्टर हाथी ने ही बांधी है अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा बाबा तू जास्ती फिक्र मत कर नहीं पर हाँ मेहमानों के खाने की फिक्र जरूर हो रही है मेहमानों की तो मुझे भी चिंता है क्योंकि हमारे जो मेहमान है ना ये घर के बाहर खाना ही नहीं खाते पर यार तेरे हाथ पे लगी है मुझे उसकी भी तो चिंता है ऐसी हालत में रोशन खाना कैसे बनाएगी मैं नहीं बनाऊंगी मेरी सहेली बनाएगी माधवी भाभी मैं भी माधवी भाभी के घर जाती हूँ और उनको बोलती हूँ वो यूँ फटाफट खाना बना देगी ओए ओए रोशन मेरी जान और जैसे तू इतनी खूबसूरत है ना आइडिया भी बड़े चंगे दे दिए और फटाफट जा कोई गल नहीं होगी पुत्र ओ शान शान तूने मेरा प्लेन क्यों तोड़ा मैंने कुछ किया था ओ ऐसे प्लेन बहुत सारे ला दूंगा यार ओ गोगी पुत्र ऐसे नहीं करते ओए दीपू हमारा मेहमान है खेलते हैं उसके साथ सॉरी गोगी देखो दीपू किसी के घर में जाते हैं तो मस्ती नहीं करता है कितनी बार बताया तुमको सेठ जी मैंने पहले ही कहा था किसी के घर जाना नहीं चाहिए अरे तुसी फिक्र ना करो जी आराम से बैठो जी ओ बाय 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 ओ तेरा मेहमान है दीपू आपकी वाइफ के हाथ में चोट लगी है हम लोग कुछ तकलीफ तो नहीं दे रहे ना आपको तुसी फिकर ना करो जी और कोई तकलीफ नहीं है क्या है कि आप लोग दोनों कोने में बात कर रहे थे टेंशन तो नहीं है ना मुझे टेंशन बिल्कुल टेंशन नहीं है और वैसे भी हमारे घर में टेंशन ज्यादा देर तक टिकती नहीं है जी अच्छा बच्चों खेलो यार तुम क्या कर रहे हो क्या खेलना ज्यादा मस्ती नहीं करनी माधवी सोनू कितनी बार कहा कि मेरे मोबाइल पे गेम मत खेला करो बैटरी लो हो जाती है काय सलो चूड़ा रेडी हुआ ओ वही बना रही हूँ आपने ये पूछने के लिए मुझे यहाँ तक बुलाया जल्दी करो माधवी मैं कुर्ता चेंज करके आता हूँ हाँ सोनू जरा प्लास्टिक की पिशविया निकालना पिशविया तेज ते थैलिया अभी अभी जा उठ माधवी भाभी माधवी भाभी अरे रोशन भाभी क्या हुआ आलू गोभी घर पे नहीं आया अभी तक गोभी मेरा मतलब है गोगी आलू लेकर घर पे आया नहीं अभी तक नहीं रे नहीं वो तो कब का आ गया माधवी भाभी सॉरी हाँ आपको थोड़ी तकलीफ देने आई हूँ क्या रोशन भाभी ये बोलकर आप मुझे तकलीफ दे रही है कहिए ना एक्चुअली हुआ क्या इन शॉर्ट टोटल 6 लोगों का खाना बनाना है अच्छा अभी वनराज भाई अभी 1 घंटे में आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा माधवी अभी चिवड़ा ही बना रही है हाँ आप टेंशन मत लीजिए मैं लेकर पहुंचता हूँ ओके हाँ अरे रोशन भाभी साहब जी माधवी वो वनराज भाई का वापस फोन आया था ऑर्डर रेडी हुआ कि नहीं चिवड़े का माधवी भाभी कोई बात नहीं आपका ऑर्डर है ना अब पिल्ले वो पूरा कर दो अरे नहीं नहीं रोशन भाभी मैं चिवड़ा 1 घंटे में बना दूंगी फटाफट और तुरंत आपका खाना बना देती हूँ नहीं रे नहीं माधवी भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो आपका ऑर्डर पिल्ले बाय बाय क्या हुआ इतनी सी बात
अरे रोशन भाभी, ये 6 लोगों का खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है? अब भी बना देती हूँ फटाफट। थैंक यू सो मच कमल भाभी। कम ऑन मम्मी, आई एम रेडी, चलो फिल्म देखने। अरे हाय रोशन आंटी। हेलो मम्मी, लास्ट टाइम की तरह लेट नहीं होना है, चलो जल्दी, आप तैयार हो ना? कमल भाभी, आप लोग फिल्म देखने जा रहे हैं? हाँ आंटी, पापा 6 महीने के बाद फिल्म देखने लेके जा रहे। सो व्हाट, आधा घंटा लेट चले जाएंगे। आधी मिनट भी नहीं, आप लोग जाइए, खाना बन जाएगा। आप लोग जल्दी जाइए, जरा भी देर मत करिए। फिल्म की स्टार्टिंग में से जाती है ना, तो फिल्म देखने में जरा भी मजा नहीं आता है। एंड डोंट वरी, हाँ, एंड थैंक यू सो मच कोमल भाभी। चल बाय बाय। कोमल, ये रोशन भाभी। बताती हूँ, हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं ना? हाँ हंस। और खाने पीने का सब? हंस। ओके ओके ओके। हेलो। नमस्ते मेहता साहब, मैं कोमल बात कर रही हूँ। हाँ नमस्ते कोमल भाभी, कहिए। अंजलि भाभी हैं? नहीं, असल में अंजलि तो वो पास में है ना, लिबास बुटीक, वहाँ कुछ ड्रेसेस खरीदने गई है, लेकिन अभी आती होगी। कहिए, आप कुछ टेंशन में लग रही हैं कोमल भाभी? एक्चुअली अंजलि भाभी को 6 लोगों का खाना बनाने के लिए कहना था। 6 लोगों का खाना? मैं समझा नहीं, कौन है ये 6 लोग, किसके लिए खाना बनाना है? वो तो रोशन भाभी ने मुझे खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। कमाल है ये सोडी भी, पता नहीं कैसे अनजान लोगों को घर में खाने के लिए बुला लेता है। ओके मेहता साहब, गुड नाइट। गुड नाइट कोमल भाभी। अंजलि भाभी तो बाहर गई हैं। दया भाभी, नो, फोन बिजी है। बबीता, बबीता हेलो। हाय बबीता। हाय कोमल भाभी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आज जरा मैं पूरा दिन बाहर थी ना, तो थोड़ा सर दर्द हो रहा है, फीवर जैसा लग रहा है, तो आराम कर रही हूँ। ओ ठीक है, तुम आराम करना। क्यों, क्या हो गया? एक्चुअली रोशन भाभी के घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं और रोशन भाभी के हाथ में मोच आई है, तो उन्होंने मुझे खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। तो ठीक है ना, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं बबीता, तुम्हें बुखार आया है, तुम आराम करना। इट्स ओके, मैं बना देती हूँ खाना। अरे बबीता जी, आप आराम कीजिए, आपको बुखार आया है, टेंशन मत लीजिए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके मैडम, थैंक यू। ओके ओके बाय। हेलो। हेलो डेविन, मैं रोशन बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए रोशन भाभी। डेविन, आपसे एक छोटा सा काम था। अरे एक क्या, सो काम बोलिए। डेविन, वो क्या हुआ कि रोशन भाभी, आपके मेहमान वो हमारे मेहमान, और सिर्फ 6 लोगों का ही खाना बनाना है, और भी मेहमान हो तो उनको बुला लो। नहीं रे नहीं डेविन, सिर्फ 6 लोग, 3 मेहमान और 3 हम लोग। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आधे घंटे में 6 लोगों का बढ़िया गुजराती खाना बना देती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उनको खाकर मजा आ जाएगा। हा? सारू सारू। और रोशन भाभी, अपने हाथ का जरा ध्यान रखना। हाँ डेविन। ओके थैंक यू। अरे गाड़ी खराब हो गया, अरे आने में देर हो जाएगी। बहुत देर हो जाएगी, वही बोल रहा हूँ ना। और सुनो, हम जिसके यहाँ पे रुके हुए हैं ना, वो लोग भी बहुत अच्छे आदमी लोग हैं। दीपू ठीक है? ठीक नहीं है। क्यों हो गया पुत्र? पापा देखो ना, दीपू ने आपका मोबाइल खोल दिया। दीपू, why you are behaving like this? ओ कोई गल नहीं जी, बच्चा है, हो जाता है। वैसे भी ये कवर निकल गया था, जुड़ गया। आजा दीपू पुत्र, यार तुम रहना आराम ना। क्या है माहौल देख के मुझे नहीं लगता इस घर में खाना बनेगा और हमें खाना मिलेगा। अरे नहीं कहोगे पुत्र?
दीपू कम हियर, डोंट बिहेव लाइक दिस, दिस इज नॉट आवर हाउस। कोई गल नहीं जी, बच्चा है, देश कोई दिक्कत की गल नहीं है। रोशन हाय, खाने की टेंशन सॉल्व हो गई है। ओहो वाह वाह, डेविन अब भी थोड़ी देर में खाना बना के लेकर आ रही है। ए माधवी पापी, दया पापी, और चलना, खाने की प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, शुक्र है आपका। मैं जाके प्लेट्स लगाती हूँ। और ये सुनिए, तू क्यों प्लेट तैयार करेगी, और तेरे हाथ पे लगी है, और मेरे को बता, मैं सब तैयारी करता हूँ। चल चल अवे। अरे सुनिए, वही तो कह रहा हूँ, चल चल अवे। अजी दो मिनट गोवर्धन जी, हाँ जी आ जाओ सुनिए। हेलो, हाँ गोगी, मैं बबीता आंटी बोल रही हूँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी किचन में है। अच्छा ठीक है, तो मम्मी को बता देना कि मैं खाना बनाकर लेके आ रही हूँ। ठीक है ठीक है। दीपू मैं वो रख। अरे अरे मेरा है ना, अरे खेल ले दो, अरे अरे खेल ले दो। पापा क्या सोचा घूमने जाने का? अरे भाई दो मिनट शांति से बैठने तो दे। अच्छा बापूजी बैठ गए, बोलो। कहाँ जा रहे? अकेले घूमने? अरे पापा! नहीं नहीं बाबूजी, वो बबीता जी का मोबाइल रिपेयर हो गया ना, तो उनको उनके घर पे देके आता हूँ। जयडा लाल, आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मोबाइल लेने आ गया। अच्छा किया। क्या हुआ? नहीं आप अकेले आए, बबीता जी नहीं है? जयठालाल हर बार साथ में आना जरूरी है। नहीं है, लेकिन आप मतलब पिछले दो तीन वर्ष से आप हमेशा बबीता जी के साथ में ही आते हैं ना, इसके लिए मैंने पूछा। मोबाइल ले ले, ये लीजिए, हो गया मोबाइल। थैंक यू जयठालाल। जयठालाल इसका कितना पैसा हुआ? इसका हुआ 13,300। 13,300? जयडा लाल 10,000 का मोबाइल और इसका रिपेयरिंग का खर्चा 13,300? अरे टेंशन मत लो यार भाई, मजाक कर रहा हूँ। मेरी दुकान में मेरे आदमी से मोबाइल गिर कर टूट गया था, उसका पैसा मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? कितने दिन है भाई? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो चाचा जी। हाँ चलो। तो भाई डर मत, तेरे घर नहीं आ रहा हूँ। चलो मतलब तू अपने घर जा, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। नहीं भाई चलो, बोले तो मेरे को ऐसा लगा कि चलो। अरे दया, अरे टप्पू के पापा आप आ गए? हाँ आ गया, लेकिन ये क्या सब टिफिन? इसमें खाना है। मतलब आज हम सबको अपना अपना टिफिन लेकर खाना खाने के लिए बैठना है? क्या अभी? नहीं नहीं, ये टिफिन रोशन भाभी के घर के लिए है। क्यों? रोशन भाभी के घर अंजन मेहमान आए हैं। अंजन मेहमान? क्या है, सूरी भाई के गैरेज में गाड़ी ठीक करवाने कोई आया था, तो सूरी भाई ने उनको घर पर खाने के लिए बुलाया है। सूरी भी अजीब आदमी है, ऐसे किसी अनजान को कैसे घर पर खाने के लिए बुला सकता है? आजकल टाइम कितना खराब है। और एक मिनट, सोडी ने अपने घर पे उनको खाने के लिए बुलाया है, तो तू क्यों खाना लेके जा रही है उधर? क्या है, रोशन भाभी के हाथ में मोच आ गई है, तो उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि दया भाभी प्लीज आप जरा खाना बना सकते हो, तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तो बना दिया खाना। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, आप अभी खाना खाएंगे कि मैं टिफिन देकर आऊँ उसके बाद? भूख तो बहुत जोर की लग रही है दया। एक काम कर, मुझे खाना दे दे, मैं खा लेता हूँ। 5 मिनट, बस 5 मिनट रुकिए ना, मैं अभी टिफिन देकर आती हूँ, उसके बाद खाने के लिए बैठिए ना, वहाँ मेहमान भी भूखे होंगे। जब तूने तय कर ही लिया था तो मुझसे पूछा क्यों? माँ के संस्कार। चलो मैं आती हूँ टिफिन देकर। एक मिनट रुक जा, चल मैं भी आता हूँ तेरी मदद करने। आजा। थैंक यू।
हाँ मैं ले लेता चल। पापा मैं भी आऊँ। अरे भाई हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं। बेटा 5 मिनट में आ रहे हैं बेटा। ओके ओके बाय। सरदार जी गड्डी तैयार हो जाएगी ना आज? मुझे अपने टाइम पे फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगी। आप निश्चिंत हो गए फर्स्ट क्लास घर का खाना खाओ। खाना है का? और छोटे जेठा भरा आ जा यार आ जा। ये लीजिए रोशन भाभी। थैंक यू सो मच। और जेठा भरा ये है गोवर्धन प्रा। और गोवर्धन प्रा ये है मेरा प्यारे दोस्त जेठा प्रा। नमस्ते 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 नमस्ते। ये इनके ड्राइवर नत्थू। अच्छा अच्छा तो गाड़ी घर में लेके आए क्या? नहीं ड्राइवर लोग हमेशा गाड़ी में बैठते हैं ना, इधर घर में इसके लिए पूछ रहा हूँ। जेठा प्रा मजाक कर रहे हो यार। वो इनकी गड्डी खराब हो गई थी तो गैरेज पे वो गड्डी ठीक हो रही है, तो अभी ये लोग ना घर का खाना खाते हैं तो मैं घर ले आया। सरदार जी ये खाना बाहर से मंगवाया आपने? वो की गल कर रहे हो गोवर्धन प्रा, वो ये घर का बना हुआ शुद्ध खाना है जी। और मेरी बोटी रोशन के हाथ पे चोट लगी है तो इसलिए हमारे पड़ोसी घर से बना के लाए ये खाना, एकदम घर का बना हुआ शुद्ध 100% जी। मस्त गुजराती खाना है, आपको मजा आ जाएगा। भाकरी सेव टमाटर नु साग खिचड़ी कढ़ी कोबी नो संभारो अने मगनी दाल नो सीरो। दया जल्दी खाना परोसो, भूख लगी होगी जनार्दन भाई को। जनार्दन नहीं गोवर्धन, सॉरी सॉरी गोवर्धन भाई। अब भी लगाती हूँ। नहीं 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 रोशन भाभी आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ, आप हाथ संभालिए। मैं ले लेती आप चलिए। हाँ। आपका टिफिन सर्विस का बिजनेस है? और ना जी ना, इनका तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज चाहिए हो एक फोन घुमा दो, घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा 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 सॉरी यार। छोड़िए अंकल, गोगी कहाँ है? भाई मैंने बोला ना हम लोग 5 मिनट में आ रहे हैं घर पे, तू भी पीछे पीछे आ गया। नहीं पापा मैं गोगी को मिलने आया था। और डबू उतर, गोगी अंदर है जा खेल। पापा देखो इसने आपकी शर्ट बिगाड़ दी। तेरी ये बच्चा तो वड़क वांद्रो लगता है। वड़क वांद्रा इधर आके बैठो। कंफर्म वड़क वांद्रो है। जाओ इतनी बार बुरा ना मस्ती नहीं करना, बैठ जाओ। सॉरी सरदार जी बच्चा है। ओ कोई गल नहीं जी कोई गल नहीं जी, हो जाता है। ओ जी मैं ऐसा समझ लूंगा कि मेरी रोशन ने वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े एक साथ डाल दिए और उसकी चुन्नी का रंग मेरी शर्ट पे लग गया। चलो आप खाना खाते हैं। चलो चलो जेठा भरा खाना खाइए। नहीं नहीं आप लोग खा लो, मैं जस्ट अभी खा के ही आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। रोशन भाभी। अरे लीजिए खाना लीजिए। माधवी भाभी आप खाना तो डेविन को बनाने कहा था, वो लेकर आई है। अच्छा हम भी लेकर आए हैं, आलू की सब्जी दाल रोटी और पूरन पोड़ी भी। थैंक यू माधवी भाभी, लेकिन आपका तो अर्जेंट ऑर्डर था नहीं? अरे रोशन भाभी आप लोगों के मेहमान मतलब हमारे मेहमान, और मेहमान तो भगवान समान होते हैं और भगवान को भूखा थोड़ी रख सकते हैं। बरोबर है, इसलिए माधवी ने फटाफट खाना बना दिया। थैंक यू, आजा आजा। और माधवी भाभी जी आपको तो बहुत बड़ा थैंक यू, वो आपका अर्जेंट ऑर्डर था फिर भी आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना के लाए, थैंक यू वेरी मच जी। काय सोड़ी भाई। ये हमारा सोसाइटी के एक हमारा सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, और ये है वर्धन भाई। गो किधर है? गोवर्धन, सॉरी सॉरी गोवर्धन भाई। चलो भाई खाना खाते हैं घर का। चलो चलिए आइए। रोशन भाभी लीजिए आलू के पराठे रायता और फिर यानी खाना बन गया। कोमल भाभी आप भी
टिफिन लेकर आई। तो रोशन मेरी जान, तूने कोमल भाभी को भी खाना बनाने को कहा था? हाँ कहा तो था। कोमल भाभी आप तो फिल्म देखने जाने वाले थे ना? हाँ रोशन भाभी, पर फिर मैंने सोचा आपके हाथ में मोच आई है, आपके घर में मेहमान है, फिल्म का क्या है, वो तो मैं कल भी देखने जा सकती हूँ। और जल्दी में बताना भूल गई कि मैं खाना लेकर आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे आपके मेहमान को तीन तीन वैरायटी टेस्ट करने मिलेंगे। बिल्कुल कमल भाभी, थैंक यू। तीन तीन नहीं, चार चार प्रकार की वैरायटी खाने को मिलेगी। अरे अंजनी पापी जी, आप ही खाना लेके आए हो। अंजलि भाभी भी लेकर आई, मतलब आप सब भी लेकर आए हो? रोशन नहीं, रोशन मैंने अंजलि भाभी से खाना लाने के लिए नहीं कहा था। तो फिर एक मिनट सड़ी भाई, रोशन भाभी ने नहीं कोमल भाभी ने कहा था। अरे मैंने तो जब मैं घर आई तब तारक ने बताया कि कोमल भाभी का फोन आया था कि रोशन भाभी के घर पे मेहमान आए हैं, तो मुझे खाना बनाकर ले जाना है, इसलिए मैं ले आई। अरे अंजलि भाभी, जब मैंने फोन किया तब आप घर पर नहीं थी। हाँ तो मेहता साहब ने पूछा क्या काम है, तो मैंने फोन करने की वजह बताई थी। तो खाना लाने को नहीं बोला था? बताओ। और मेहता साहब समझे कि आपने अंजलि भाभी को खाना बनाने के लिए कहा है। गोवर्धन भाई, आपके नसीब में तीन नहीं चार चार प्रकार की वैरायटी का खाना है। सच्ची? हाँ। सभी के घर से खाना आ गया। सभी के घर से कहाँ, बबीता जी के घर से कहाँ आया? मतलब अच्छा है रोशन भाभी आपने उनको नहीं बोला, वरना वो भी लेके आते। हाँ सच्ची। फिर पांच प्रकार का हो जाता। बबीता को मैंने फोन किया था, बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है। अरे बाप रे, क्या हो गया बबीता जी को? कुछ नहीं हुआ है मुझे। अरे बबीता, तुम्हें बुखार आया है ना? बुखार? बबीता जी आपको कैसे आ सकता है? हाँ मैं जरा सा ही बुखार था, मैंने दवाई ले ली है and I'm absolutely fine now. देखा कितना प्रेम है हम सब के बीच में, आपस में। बबीता जी। Oh my God. आप भी खाना बनाकर लाए? हाँ मैंने गोगी को फोन करके कहा तो था कि मैं खाना बना के लेके आ रही हूँ, मम्मी को बता देना। तेरे ये दीपू की शरारत में मैं भूल ही गया। ओ कोई गाल नहीं जी, कोई गाल नहीं, ओ होता है जी, होता है। और वैसे भी जो भी होता है ना वो राम जी की कृपा से अच्छा ही होता है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और ये सब खाने पे लिखा है धनाधन भाई का नाम। धनाधन नहीं भाई, गोवर्धन। सॉरी सॉरी, वो क्या है कि वो खाना नहीं खाया ना, इसलिए दिमाग नहीं चल रहा है, कुछ भी बोल रहा हूँ। अभी तो आप बोले कि मैं खाना खा के आया हूँ। सॉरी वो मैंने झूठ बोला, मैं जस्ट दुकान से आ ही रहा था कि ये दया टिफिन लेके इधर आ रही थी तो मैं भी उसके साथ आ गया, मैंने एक्चुअली खाना नहीं खाया। अरे पहले तुम खा लो, क्योंकि हर बार गलत नाम ले रहे हो मेरा। नहीं सॉरी सॉरी, हम सब मिलके खाते हैं ना। आओ बेटा आओ आओ आओ। मैं भी, मेरा तो हो गया खाना। अरे भाई इतना सारा खाना कौन खाएगा भाई, आओ आओ भाई आओ। चलो आइए। और गोवर्धन भाई? गोवर्धन नहीं गोवर, अरे अरे हाँ, पहली बार आपने मेरा सही नाम लिया गोवर्धन। वो क्या खाना पेट में गया ना तो दिमाग चलने लगा फटाफट। कैसा लगा आपको हमारा खाना? सच बताऊं पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया हमने। सरदार जी बहुत बहुत शुक्रिया, और भाभी
आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, तो इन सबको बोलना चाहिए, खाना तो ये सभी लेके आए ना। हाँ हाँ, सबको, आप सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वादिष्ट खाना था। वैसे गोर्धन भाई, आपकी खुद की इतनी बड़ी होटल है तो वहाँ पे रोज वैरायटी वाला लज्जतदार खाना बनता होगा, फिर भी आपको हमारा बनाया हुआ खाना अच्छा लगा, ये बहुत बड़ी बात है। होटल में तो हम पैसा लेकर खाने की सर्विस करते हैं, और यहाँ पे बिना स्वार्थ के स्वाद था। सरदार जी, वाकई आपके खाने में प्यार की मिठास थी। ओ गोवर्धन प्रा, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में अगर झगड़ा भी होता है ना, तो उसमें भी प्यार की मिठास होती है। बिल्कुल सही कहा। सच कहूं, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन रहेगा। जिंदगी में पहली बार मैंने ये देखा कि एक अनजान आदमी किसी दूसरे अनजान आदमी को पहली मुलाकात में अपने घर पे खाने पे लेके आ गया। पहली बार पड़ोसियों को एक दूसरे का दुख बांटते हुए देखा। जिंदगी में कभी कहीं और बसने का मौका मिलेगा तो मैं आपकी ये गोकुल धाम सोसाइटी में आके बसूंगा। गोवर्धन प्राजी, फिर आ जाओ हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में रहने। एक शर्त पर, अगर दीपू हमारे घर पर शरारत ना करे तो। दीपू शरारत करेगा? नहीं ना, नहीं करेगा। ओए कोई गल नहीं बुद्धा, तू भी तो शरारत करता है, और दोनों मिलजुल के रहना और खूब मस्ती करना है। पापा मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे पे ही गया। एक मिनट। हाँ बोल पप्पी। ओ गड्डी ठीक हो गई? ठीक है हम आ रहे हैं। ओ खाना खा लिया तूने? अरे क्या बात है, ठीक है आ रहे हैं। ओ गोवर्धन राय, गड्डी ठीक हो गई, चलो। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी, चलो जी, चलो जी। अच्छा जी, चलते हैं। गोवर्धन भाई, आप मुंबई आए तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जरूर आना, आपको फिर से मस्त बढ़िया खाना खिलाएंगे। हाँ जरूर, मगर मेरे यहाँ दोबारा आने से पहले आप सब गोकुलधाम वासियों को सापुतारा आना पड़ेगा। सापुतारा? हाँ बेटा, यह गुजरात का एक पर्यटन स्थल है। हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन है। आप बस एक बार घूमने आओ, आपका रहना खाना पीना मेरे आशीर्वाद में। आपके आशीर्वाद में? और रिसोर्ट, इनके रिसोर्ट का नाम है आशीर्वाद रिसोर्ट। आशीर्वाद रिसोर्ट। तो कब आ रहे हैं? चलो अभी आपके साथ। ये, चलो चलो चलो। जेठा अभी? अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा टप्पू, मजाक कर रहा हूँ। अभी एकदम से कैसे जा सकते हैं? क्या सब लोग अपने अपने काम में बिजी है, लेकिन मैं वादा करता हूँ गोवर्धन भाई, हम सब गोकुलधाम वासी एक बार मिल के सापुतारा जरूर आएंगे। ठीक है, आइएगा जरूर। अच्छा तो मैं चलता हूँ। चलो दीप, आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। सापुतारा जरूर आइएगा आप लोग।